हाय गाइस, वेलकम टू जेके मीडिया लाइव। अक्सर क्या होता है कि मैं आपको सिंगर से मिलाता हूँ, डांसर से मैंने काफ़ी मिला दिया, आर्टिस्ट लोगों से मिला दिया, लेकिन आज मेरे साथ जो पर्सनैलिटी है भाई, उनका काम है हंसाने का, क्योंकि कहते हैं कि हंसना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है और जितना हंसेंगे खून भी बढ़ेगा और हमारी सेहत भी अच्छी होगी। तो मेरे साथ है चूही। नाम जान के, नाम चूही बोला तो भाई चूही नाम है तो बोलूँगा ही। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच जेके मीडिया का और आपका भी कि मेरे को यहाँ पर बुलाया। और भाई माय नेम इज अमित सिंह गंदोत्रा, प्यार से सारे में चूही कहते हैं। लेकिन चूही के पीछे क्या किस्सा है, मतलब चूही क्यों कहते हैं तुम्हें? मतलब देखा जाए तो सेहत की वजह से कहते हैं। दोस्त लोगों ने तो सेहत की वजह से मेरा नाम डाला था कि चूही, लेकिन मैंने जब ऐसे स्टैंड अप कॉमेडी शुरू की तो मैंने इसको एक पॉजिटिव वे में लेना शुरू कर दिया और इसको अपने मैं सोचा कि इसको रियल नेम रख लूँ, ताकि कॉमेडियन हर नेम अलग अलग होता है, तो मैंने भी अपना नाम रख लिया कॉमेडियन चूही। तो अब लोग आपको बुलाते हैं चूही, मतलब घर के मोहल्ले वाले बुलाते हैं चूही। हाँ, मेरे को कोई कैसा लगता है? अमित बोले तो मैं सुनता नहीं हूँ किसी की, अगर चूही बोलेंगे फिर मैं रिस्पॉन्स देता हूँ कि मैं हाँ, मेरा आप इग्नोर कर देते हैं कि भाई मैं तो अमित हूँ नहीं, मैं तो चूही हूँ। हाँ चूही हूँ मैं बस। अच्छा चूही, क्या किस्सा था कि नाम चूही पड़ा? क्या किस्सा था? दरअसल किस्सा था, थोड़ा बहुत था, थोड़ा मैंने बनाया खुद, क्योंकि सब मेरे से पूछते थे कि भाई तेरा नाम चूही क्यों पड़ा, चूही क्यों पड़ा? तो ऐसे बोल तो नहीं सकता कि मैं स्कूल में पढ़ा, तो मैंने सोचा इसे एक कॉमेडी वे में बनाते हैं, कुछ फनी बनाते हैं। तो एक किस्सा है कि अक्सर लोगों के घरों पे आटा चावल पड़ा रहता है, तो चूहों का आना जाना लगा रहता है। तो वैसे ही मैं भी एक दिन बैठा था, तो एक चूहिया थी, वो उसका ना रेगुलर आना जाना हो गया, एक दिन आना फिर उससे आना। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं ऐसे देख रहा था, वो भी मेरे को देखती रही, अक्सर ऐसे बातों में देखते देखते हम दोनों कब प्यार हो गया मैं पता नहीं लगा। कहते ना कि प्यार अंधा होता है, इसके पीछे चूही नाम के से प्यार है। हाँ, प्यार अंधा होता है, तो मेरे को वैसे उनसे प्यार हो गया। तो फिर मैंने फिर आगे रिश्ते की बात नहीं करी। हाँ, डेट किया एक दो बार हमने, फिर मैंने बोला कि रिश्ते की बात करते हैं। तो उसने अपने घर पे बात की कि हमने ऐसे से शादी करनी है, तो उसके घर वालों ने मना कर दिया। मना क्यों किया? करते कि भाई लड़का हमारी बिरादरी का नहीं है। अच्छा अच्छा। तो इस चक्कर में चूहिया ने सुसाइड कर लिया, तो मेरे को बड़ा दुख हुआ ये सुन के। तो फिर मैंने अपना नाम चूही रख लिया, ताकि अगर कोई मेरे को बुलाए चूही तो मेरे को उसकी याद मतलब याद रहे। हाँ, दिल में रहे वो। अच्छा चूही, स्टैंड अप कॉमिक का आपने चूज करा, स्टैंड अप कॉमेडियन बनना आपका एक फ्यूचर का सपना है। अच्छा बताओ कि आपको कब लगा कि भाई मैं भी फनी हूँ और मेरे को भी ऐसा कुछ करना चाहिए? फनी तो मैं मतलब ऐसे शुरू से था, मतलब रामलीला वगैरह में स्किट्स वगैरह करता था उस समय, ऐसे ग्रुप में करना, तो फिर कॉलेज में भी ग्रुप में करना। लेकिन थोड़ी बहुत मैं मिमिक्री करता था, तो मिमिक्री करते ऐसे ही थोड़ा एक दो बार चांस मिला। मैंने जलंधर में गया था, मैं एक फिल्म का ऑडिशन देने, तो उधर मैं सिलेक्शन हो गई मेरी। तो मेरे को इतने बड़े डायरेक्टर ने सिलेक्ट किया, तो मेरे को लगा कि शायद मेरे में कॉमेडी हो सकती है, मैं स्टैंड अप अकेले भी कर सकता हूँ। तो इसलिए फिर मैंने स्टैंड अप कॉमेडी शुरू की। और फिर इधर हमारे लेजेंड डांस स्टूडियो था, उन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टैंड अप कॉमेडी शो किया था, जिसमें भी कैसा रिस्पॉन्स था? काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। उसी रिस्पांस की वजह से आज मैं जो कर रहा हूँ, उसी रिस्पांस की वजह से कर रहा हूँ। अच्छा, फॉलो करने की बात की, इन्फ्लुएंसर्स की बात की जाए तो किसी का इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर? किसी को फॉलो करते हैं, किसी को देखते हैं? फॉलो तो हम पहले तो कपिल शर्मा को तो हम है ही है, जो स्टार्टिंग से हम उसे कर रहे हैं। लेकिन अभी जो नया ट्रेंड चल रहा है ओपन माइक्स, आप देखते हो कि CLC कैनवस क्लब वहाँ पे जो देखा जाए, वहाँ पे जो जितने भी आर्टिस्ट हैं। अभी मेरे साथ एक कटरा में हम नवरात्रा फेस्टिवल होता है, वहाँ पे भी एक कॉमेडी शो होता है, तो वहाँ पे मेरे पिछले साल मेरे को एक मिले थे मनप्रीत भैया, वो अमृतसर से हैं, काफ़ी अच्छे कॉमेडियन है और काफ़ी उनका नाम है। तो अभी चंडीगढ़ में मैं उनके साथ था, तो उनके साथ पता लगा मेरे को कि ओपन माइक्स क्या होते हैं, कैसे करना है, कैसे स्क्रिप्ट बनानी है। पहले तो हम नॉर्मली जो स्टैंड अप कॉमेडी हम करते हैं वो सिर्फ ऐसे जोक्स उठा लिए, मार दिए इधर उधर, तो वो हो गई। लेकिन नहीं, हम बाहर जाके पता लगा कि स्टैंड अप कॉमेडी है क्या, ओपन माइक्स हैं क्या। फिर जैसे अंशिता कौल, उनके साथ इधर जम्मू में दो ओपन माइक्स के काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। तो ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि जम्मू में और सारे ओपन माइक्स हों, ताकि हम जैसे स्टैंड अप कॉमेडीज को और भी निकलें यहाँ से। तो वैसे है नहीं है देखा तो एक तो हाँ, एक अंशिता कौल है, एक और अतुल शर्मा शायद, वो उनका भी किसी को इतना पता नहीं है, लेकिन बाहर काफ़ी नाम है उनका भी। तो मैं चाहता हूँ कि इधर से और चूही। अब सपना क्या करना चाहते हैं? पढ़ना चाहते हैं या फिर स्टैंड कॉमिक? पढ़ाई तो समझो कि हो गई कंप्लीट, अभी एक बाई चांस हो गई, एक दो दिन रह गया, तो पढ़ाई कंप्लीट है। तो वैसे स्टैंड अप कॉमेडी करनी है, तो इसी के साथ प्रोफेशन बनाना है। तो चूही, आपको जो लोग इंस्टाग्राम यूट्यूब पे अगर फॉलो करना चाहें तो कहाँ कर सकते हैं? तो मेरा एक पेज है कॉमेडियन चूही, इंस्टाग्राम पे भी कॉमेडियन चूही है, तो मेरे को फॉलो कर सकते हैं। अमित सिंह गंदोत्रा ऐसे नाम है, अगर रिक्वेस्ट भेजनी तो भेज लो, कोई चक्कर नहीं है। ओके चलो अमित, बहुत धन्यवाद आपका, जो आपके साथ आपने हमारे साथ इंटरेक्ट किया और हमने आपके साथ इंटरेक्ट किया और आपने टाइम निकाला हमारे लिए, बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद है। तो दोस्तों ये थे चूही, अमित सिंह गंडोत्रा, आप देखते रहिए जेके मीडिया, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।